नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, दो या तीन दिन पहले वीडियो बनाया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप अपने मोबाइल फोन से आप अपने घर बैठे राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था, उसमें ये भी मैंने बताया था कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि अगर मेरे पास कोई फैमिली यानी वुमेन महिला नहीं है तो क्या मेरे नाम से राशन कार्ड बन सकता है या नहीं। दूसरा प्रश्न कि मेरे पास पुराना वाला राशन कार्ड है और उसमें मैं किसी अन्य सदस्य का नाम जोड़ना चाहता हूँ या पुराना वाला राशन कार्ड से नाम उससे हटाना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बता चुका था, जब मैंने आवेदन किया था ऑनलाइन वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो वेबसाइट यहां पे आप देख रहे हैं वो वेबसाइट जो है एक डेमो है, यानी अभी ट्रायल के रूप में काम कर रही है। जैसे ही उसका ट्रायल पूरा होगा वो वेबसाइट प्रॉपर रूप से काम करना शुरू कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप जितने भी आवेदन करेंगे आपका डाटा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उस पर फाइनल विचार नहीं किया जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप आवेदन कर दिया है तो भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न यह है फ्रेंड्स कि मेल के नाम से राशन कार्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो फ्रेंड्स बता दे यहाँ पे कि अगर आप शादीशुदा है, आप मैरिड है, उस कंडीशन में आपको जो होगा यहाँ पे नेसेसरी होगा कि आप वुमेन के नाम से ही आप राशन कार्ड अप्लाई करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप अनमैरिड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपका जो राशन कार्ड होगा उसमें महिला का नाम होना चाहिए। आप सेल्फ के नाम से भी, स्वयं के नाम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न नाम या जोड़ने या हटाने का है, तो यहाँ पे हम क्लियर कर दें, जैसे ही वेबसाइट यहाँ पे प्रॉपर रूप से काम करेगी यानी उस पर आवेदन मांगा जाएगा तो वहां पे लिंक ये भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आप नाम ऐड कर सकते हैं या नाम रिमूव करने का भी लिंक यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जैसे ही ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगता है कि सब कुछ सही से हो रहा है तो यहाँ पे सभी लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे पूरा जो राशन कार्ड में अप्लाई से लेके सुधार तक का जितने भी यहाँ पे काम आती है सब काम आप अपने मोबाइल फोन से आप अपने घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब आएगा तो वहाँ पे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नए अपडेट, नए वीडियो, नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।